अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ अब्दुल्ला है। मैं प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ और कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में मेल इनफर्टिलिटी के साथ डील करता हूँ। मेल इनफर्टिलिटी बेसिकली जो कपल में प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग मेल पेशेंट्स में, इस वक्त पाकिस्तान में मेल इनफर्टिलिटी का काफ़ी हो गया है, जिसे हम मेल फैक्टर कहते हैं। कपल में जिनमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे होते हैं, उसमें मेल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके हिसाब से यहाँ कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी में उनके मेल पार्टनर्स को देखा जाता है। मैं आज मेल फैक्टर जो इनफर्टिलिटी में होता है उस पर आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मेल फैक्टर पाकिस्तान में अच्छा खासा बढ़ रहा है, अच्छा खासा कॉमन है, जो बांझपन या इनफर्टिलिटी का रीज़न बनता है कपल में। इसका सबसे आसान टेस्ट ये है कि मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस या मनी का टेस्ट कराया जाए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से टेस्ट है। लेकिन टेस्ट ये किसी छोटी लैब से नहीं कराया जाए, बेहतर यह है कि फर्टिलिटी सेंटर जैसे कॉन्सेप्ट है वहाँ से कराया जाए, ताकि इसकी डिटेल रिपोर्ट मिल सके। सीमेन एनालिसिस अगर अच्छी जगह का हुआ है, डिटेल रिपोर्ट होती है, इससे काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें जरासीम की कमी भी हो सकती है या स्पर्म काउंट कम भी हो सकता है, साथ मोटिलिटी के भी यानी उनकी ताकत और रफ्तार के भी इश्यूज हो सकते हैं, या तीसरी चीज़ जो होती है मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मलिटी, स्पर्म में अगर हो तो उनका भी पता चल सकता है। और साथ ही फिर अगर कुछ इन्फेक्शन आ रहे हैं, स्पर्म में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये सारे तीनों पैरामीटर्स ख़राब हो सकते हैं। अब इन तीनों पैरामीटर्स का अगर जल्दी पकड़ा जाए, जल्दी इलाज किया जाए, तो इलाज मुमकिन है। अगर काउंट कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसमें से फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है IUI या इन यूट्रो इनफर्टिलाइजेशन या फिर IVF और ICSI की बारी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि स्पर्म क्वालिटी कैसी है, स्पर्म काउंट कैसा है। इसके लिए बेहतर यही है कि जो इनफर्टाइल कपल हैं उसमें सबसे पहले उन्हें चाहिए कि मेल पार्टनर अपना सीमन का टेस्ट कराए, ताकि उसे आइडिया हो सके कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। शुक्रिया।